हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस माय फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे एडोबी फोटोशॉप सीसी 2019 में किस तरह से कोई भी इमेज का हेयर कट आउट करके उसे किसी भी बैकग्राउंड में किस तरह से सेट करते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को हम इस बैकग्राउंड से हटा के दूसरे बैकग्राउंड पर हम सेट करेंगे, लेकिन बालों का डिटेल भी हमें वैसे ही मेंटेन रखना है। तो यहाँ पर हम और एक इमेज लेते हैं बैकग्राउंड वाली लेयर पैनल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड करके एक इमेज है। तो इस इमेज को हम रीनेम करेंगे, यहाँ से हम इसे लॉक को हटाने के लिए यहाँ पे लॉक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक, इसे नाम देंगे हेयर। अब यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड लेके आएंगे, बैकग्राउंड लेने के लिए फाइल में प्लेस एम्बेडेड, यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड आप उठा लो। अल्ट दबा के आपके इसको आप इस इमेज के कॉर्नर को स्ट्रेच करना है। एंटर, एंटर करने के बाद इस बैकग्राउंड को हमें हेयर वाली इमेज के नीचे लाके रखना है। और यहाँ से हम हेयर को सेलेक्ट करेंगे, हेयर की लेयर को सेलेक्ट करेंगे और टूल बार में से किसी भी कोई भी एक सिलेक्शन का टूल लेंगे। हम यहाँ पे लेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल को लेते ही यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल में सेलेक्ट सब्जेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर सेलेक्ट एंड मास्क। तो यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप सीसी 18 से लेके और ये सीसी 19 में ये दो ऑप्शन आए हैं। इससे पहले वाले फोटोशॉप के जो भी वर्जन थे 2018 से पहले, उसमें ये ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। फोटोशॉप खुद ब खुद एनालाइज कर लेता है कि उस इमेज में शार्प इमेज या फिर शार्प पिक्सल कौन से है। जैसे उसे वो पिक्सल मिलते हैं वो हमें सेलेक्ट करके देता है। यहाँ पे हम एक रफली सिलेक्शन करेंगे। इसे सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क को क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करते ही किस तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द बैकग्राउंड हट चुका है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड का पैनल में आपको ब्रश दिखाई दे रही है। पहला ब्रश है क्विक सिलेक्शन, दूसरा रिफाइन एज ब्रश टूल, नीचे ब्रश टूल, लासो हैंड टूल और जूम टूल। तो यहाँ पे हम जो दो नंबर का जो ब्रश है रिफाइन एज ब्रश, इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ का पैनल दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली हम रिफाइन एज ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड, इस इमेज का जो पिछला वाला बैकग्राउंड है उसे हम यहाँ पे इस ब्रश की मदद से पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग करते वक्त आपको ब्रश के पेंटिंग करते वक्त आपको माउस को बिना छोड़े ये काम करना है। तो यहाँ पे हमने हेयर का रिफाइन एज का यूज़ करके यहाँ पे हेयर कट कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में आपको व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट ऑन ब्लैक, तो इस तरह से व्यूज़ किस तरह से हम इस इमेज के व्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट मास्क है इसे सेलेक्ट करेंगे। ये तो मास्क में हमें पता चल रहा है कि ये जो वाइट वाला जो पोर्शन है ये सिलेक्शन है और जो ब्लैक वाला है वो हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो हमें सिलेक्शन वाला हिस्सा चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्क में ये हिस्सा सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम ब्रश टूल लेंगे और इसका साइज हम कर लेंगे कम। ओके, हाँ, अब हम यहाँ पे इसमें ऑन लेयर, तो सबसे ज़्यादातर मैं ऑन लेयर का ही इस्तेमाल करता हूँ। ऑन लेयर यहाँ पे साइड में क्लिक, यहाँ पे ऊपर आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हिस्सा गायब हो गया है। तो यहाँ पे वापस से हम ब्रश लेंगे और यहाँ पे पेंटिंग करेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपको राइट साइड में आपको सबसे नीचे शिफ्ट एज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसे आपको प्लस और माइनस की तरफ आप लेके जाएंगे। तो आपको बालों के हेयर डिटेल आपको कितने चाहिए, अगर आप उसको
प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो आपके बालों में फ्रिंजेस दिखाई देने लगेंगे। फ्रिंजेस मतलब यहाँ पे उस इमेज में व्हाइट बैकग्राउंड का हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनस की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे कुछ भी सेटिंग ज़्यादा नहीं करनी है, ये डीकंटेमिनेट कलर है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कलर का थिकनेस, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहा है। आप चाहिए तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसे यूज़ नहीं करता, ये कभी कभी ही काम आता है। ठीक है, अभी तो ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पे आउटपुट हम देंगे यहाँ से न्यू लेयर विथ लेयर मास्क, तो हम यहाँ से न्यू लेयर विथ लेयर मास्क लेंगे और यहाँ पे रिमेंबर सेटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो हमने सेटिंग की है बार बार हमें करने के लिए नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे एक ही बार हम रिमेंबर सेटिंग कर लेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमने हेयर कट आउट करके बैकग्राउंड भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। हम चाहिए तो यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड लेते हैं, यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड, देखो यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड को यहाँ पे लेके आएंगे, और बैकग्राउंड लेते हैं, तो इस तरह से दोस्तों हम जब भी आप बैकग्राउंड का कटआउट निकालेंगे तो पहले आपको ये कंफर्म करना है कि इमेज कौन से बैकग्राउंड से बैकग्राउंड पे ऑलरेडी है। अगर वो वाइट बैकग्राउंड से रिलेटेड है तो आपको बैकग्राउंड भी उस तरह से ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सेलेक्ट एंड मास्क इस ऑप्शन का यूज़ करके बहुत ही आसानी से हेयर कट करके उसे कोई भी बैकग्राउंड पे हम किस तरह से सेट कर सकते हैं ये देख लिया। हम चाहिए तो हम यहाँ पे और एक इमेज लेके आ सकते हैं, दूसरे इमेज पे हम काम करके देखते हैं। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट एंड मास्क का यूज करके बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से किसी भी इमेज का हेयर कटआउट कैसे करते हैं ये देख लिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।